بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں, सीरत पाक के मुतालिक चंद बातें हमारे सामने आई, उसमें विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात चल रही थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मुतालिक उलमाए किराम ने जो वक्त लिखा है, फरमाते हैं कि इशराक का वक्त था, सुबह सुबह का वक्त था। इसलिए जो है हम बारहा नज़म में सुनते हैं, सहर का वक्त था, मासूम कलिया मुस्कुराती थी। हाँ, तो वो सुबह सुबह का वक्त था। कितना बेहतरीन वक्त होता है कि उस वक्त में गोया आदमी जब जल्दी से उठकर उस वक्त में अगर गौर करे आदमी, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे अल्लाह की रहमतें बरस रही। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने वक्त भी ऐसा चुना। अभी सहाबिया औरत फरमाती है कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के वक्त प्यारे आका के मकान में तशरीफ़ फरमा थी, और मैंने देखा कि आसमान के सितारे गोया झुक रहे हैं, और ऐसा महसूस हो रहा था कि सारे के सारे सितारे नीचे आ जाएंगे। उलमाए किराम फरमाते हैं कि इसके पीछे चंद वजूहात हैं कि अल्लाह तबारक व ताला पहले ही दिन से बताना चाहते हैं कि ये वो हस्ती है जिसके सामने बड़ी बड़ी हुकूमतें जेर हो जाएगी, बड़ी बड़ी ताकतें और बड़ी बड़ी जो है सारी जो है ताकतें, चाहे खूबसूरती के एतबार से आगे क्यों ना हो, किसी भी एतबार से आगे क्यों ना हो, सारे के सारे जो है जेर हो जाएंगे। और दूसरी वजह यह भी बताई कि सितारों के झुकने से ये मुराद है कि जो भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेगा, अल्लाह तबारक व ताला इसको इन सितारों से भी ऊंचा पहुंचा देंगे, मकाम के एतबार से इसको इन सितारों से भी ऊंचा मकाम अता फरमाएं। और दूसरी बात ये फरमाई कि जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में पैदाइश हुई, तो किसरा के महल में 14 कंगर गिर गए। बाज ने जो है उसको सुतून कहा है, उसके महल के बड़े बड़े सुतून गिर गए। तो किसरा जो है परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है, ऐसा जलजला जिसकी वजह से ये 14 कंगर गिर गए। तो परेशान हो गया, दरबानों को जमा किया, बड़े बड़े आलिमों को जमा किया, बड़े बड़े लोगों को जमा किया कि ये सब क्या हो रहा है। उसमें से एक शख्स ने जो बड़े एतबार के लायक था, उसने एक ख्वाब सुनाया कि आज की रात ही मैंने ख्वाब देखा है कि मुल्क अरब से चंद ऊंट जो है घोड़ों को भगा रहे हैं, और दरिया से जो है घोड़े पार करके जो है यानी भाग रहे हैं। तो पूछा कि इसकी क्या ताबीर हो सकती है, फरमाया कि मुल्क अरब में कोई ऐसी हस्ती पैदा हुई है आज की रात कि लगता है कि उस हस्ती का पूरी दुनिया में राज होगा। और फिर यूं फरमाया कि ये 14 कंगर जो हमारे गिर चुके हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है, फरमाया इससे पता चलता है कि किसरा की हुकूमत उस वक्त कैसर और किसरा की सुपर पावर ताकतें गिनी जाती थी। फरमाया किसरा की हुकूमत जो है सिर्फ 14 पीढ़ियों तक चलेगी,
फिर उसके बाद उसी एक ही हस्ती का इस किसरा के हुकूमत पर राज होगा, हुकूमत होगी उसकी। तो बादशाह ने बड़े इत्मीनान से कहा कि 14 पीढ़ियों तक हुकूमत का चलना मतलब बहुत लंबा जमाना है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने वो जमाना कोई लंबा नहीं किया बल्कि करीब ही दिखा दिया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में किसरा की पूरी हुकूमत जो है सहाबे किराम के हाथ में आई। इसी तरीके से जो है फारस के आतिशकदे में जहां आग जल रही थी, हजारों साल से आग जल रही थी और वहां आग की पूजा हो रही थी, उसी जिस वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में पैदा हुए, वो आग अचानक से बुझ गई। जो आग हजारों साल से जल रही थी, जो हजारों साल से कभी बुझी ही नहीं थी, वो आग अचानक से बुझ गई। उलमाए किराम फरमाते हैं इससे ये बताना मकसूद था कि अब अनकरीब की कुफ्र और शिर्क का जमाना खत्म होने वाला है, एक अल्लाह की तौहीद जो है दुनिया में चलेगी और उसका राज होगा। इसी तरीके से बहुत सारे वाकयात जो है वजूद में आए। बहरहाल जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में पैदा हुए तो इनकी जो है अबू लहब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था और जो ईमान नहीं लाया बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफें भी पहुँचाई, नबूवत के बाद भी जो है जिंदा रहा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ भी पहुंचाई ज़िंदगी में, वो जो है बाहर बैठा हुआ है और दूसरे भी जो है रिश्तेदार बाहर बैठे हुए इंतज़ार में कि अभी हमारे घर में कोई बच्चा आने वाला है। तो बांदी जो अबू लहब की सौबिया बांदी थी वो बाहर जाकर उसने खबर सुनाई कि तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह के घर में बच्चा पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है। तो अबू लहब इतनी खुशी में आ गया कि उसने अपनी उंगली से उसे इशारा करके कहा कि तू आज़ाद है, जब तूने इतनी खुशखबरी अच्छी सुनाई है तो तू आज़ाद है। उलमा फरमाते जब अबू लहब की मौत हो गई तो मौत के बाद उनके ही भाई हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु जो छोटे भाई थे और जो ईमान भी ले आए थे, फरमाया कि उनके ख्वाब में अबू लहब आया तो पूछा क्या हाल है कि मेरी बड़ी बुरी हालत है, आज जो है दुनिया में किसी बड़े ऊंची कौम का आदमी या बड़ी ऊंची बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला आदमी अपने आप को यूं समझता है मैं तो फुलानी बिरादरी का हूं, मैं फुलानी कौम से हूं, मैं ये हूं मैं वो हूं, लेकिन ये वाकये से पता चलता है कि अल्लाह के वहां कौमियत नहीं चलती, अल्लाह के वहां बिरादरीयत नहीं चलती, अल्लाह के वहां तो ये चलता है कि तुम किसकी पैरवी करके आए हो, किसकी पैरवी, क्योंकि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है रिश्तेदारी में। ख्वाब में कह रहे हैं कि मेरी बड़ी बुरी हालत है, लेकिन हाँ इतना है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी मैंने अपने भतीजे की पैदाइश के ऊपर मैंने जिस बांदी को अपनी उंगली के इशारे से आज़ाद किया था, अल्लाह को ये अमल ऐसा पसंद आ गया कि वो उंगली सिर्फ जो है उसको जहन्नम की आग असर नहीं कर रही, उस उंगली को सिर्फ जहन्नम की आग असर नहीं कर रही। तो बताओ जो आदमी इस दुनिया में रहते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इत्तिबा करके जिंदगी गुजारेगा उसके बदन को जहन्नम की आग कैसे छू पाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों इन वाकयात से ये असर लेने कि ये सीरत हमें क्या पैगाम देती है। बहरहाल जो है अब्दुल मुत्तलिब जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उन्होंने जब सुना कि मेरे बेटे के घर में बच्चा हुआ है, पोता हुआ है, तो खुशी में जो है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा हुए है, उसी दिन जो है इनको कपड़े में लपेट कर ले जाने लगे काबा की तरफ ताकि बरकत हासिल हो काबा से। हम भी अपने घरों में जब बच्चा पैदा होता है तो किसी बुजुर्ग के पास ले जाते हैं, किसी बड़े आदमी के जरिए से उसके कान में अजान और तकबीर कहलवाते हैं, किसी बुजुर्ग की मुंह से जो है तहनीक करवा कर उसको खिलाते हैं बरकत के लिए। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जो है उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
बरकत लेने के लिए कि काबा की कुछ बरकतें मेरे इस बच्चे को मिल जाए, वो लेकर काबे के पास पहुंचे और काबे के जो दरवाजा है उसकी चौखट पर जो है इनको रखा और अल्लाह से दुआ मांगी। इन्हें क्या पता था कि जिस काबे के पास मैं बरकत लेने जा रहा हूं, ये तो वो हस्ती है जिससे पूरी दुनिया बरकत हासिल करे, ये वो हस्ती है जिससे पूरी दुनिया बरकत हासिल करे। बहरहाल जब अब्दुल मुत्तलिब 7 दिन गुजरे तो सातों दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस शख्स ने देखा उसने तारीफ की, जिसने भी देखा तारीफ की कि क्या खूबसूरत बच्चा है, क्या खूबसूरत बच्चा है, हमने कभी ऐसा बच्चा नहीं देखा। जिसने देखा तारीफ की, अब्दुल मुत्तलिब ने 7वें दिन अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा, और मोहम्मद का मतलब है जिसकी तारीफ की जाए, कि मेरे बच्चे को जिसने देखा तारीफ की है इसलिए इसका नाम मोहम्मद होगा। और आमिना ने, बीबी आमिना जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा है, उन्होंने अपने बच्चे का नाम अहमद रखा। अहमद का नाम, अहमद का मतलब है जो अल्लाह की बहुत तारीफ करे। चुनांचे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तारीफ करने वाला अल्लाह की इस दुनिया में कौन हो सकता है। बहरहाल जो है मक्का में एक मामूल था कि जब बच्चा पैदा होता था तो उनको दूध पिलाने के लिए गांव से औरतें आया करती थी, गांव से औरतें। और गांव में बच्चों को भेजने का मकसद ये होता था कि गांव में जो है अच्छी जुबान होती थी। अब जैसे वहां पर अरबी जुबान चलती थी तो गांव में खालिस प्योर अरबी होती थी। अब शहर में तो दूसरे इलाके के भी लोग आकर रहते थे तो उनकी जुबानें भी अरबी में मिल जाती थी और मिक्स अरबी हो जाती थी। तो गांव में प्योर अरबी और फिर गांव की जो आबो हवा होती है बेहतरीन आबो हवा होती। शहर में तो गाड़ियों के अंबार और ये वो सारी चीज़ें, तो आबो हवा में कुछ फ़र्क आ जाता है। और गांव में जो है दरख्त है, पहाड़ है, दरिया है, बेहतरीन आबो हवा। तो वहाँ जो है मक्का के लोग अपने बच्चों को गाँव में किसी औरत को दे देते थे, वो औरतें उनको पालती थी, दूध पिलाती थी। तो ताइफ जो इलाका था, मक्का से करीब इलाका है ताइफ, वहाँ आज हाजी लोग जाते हैं उस इलाके की जियारत करने के लिए। तो उस ताइफ में जाते हुए बीच में कबीला पड़ता था, उस कबीला का नाम कबीले बनू साद था। उस कबीले की 10 औरतें जो है मिलकर मक्का में आई बच्चे लेने के लिए। अब इनका भी मकसद होता था कि बच्चे जब लेने के लिए आती थी तो उनका जो है यानी 2 साल 2.25 साल या 2.5 साल बच्चे को पालती थी, अपने पास रखती थी, दूध पिलाती थी, और फिर उसके बाद जब वो वापस देने आती थी तो उनको अच्छी खासी जो है यानी तनख्वाह मिलती थी, पैसे मिलते थे इसके, इसकी उजरत मिलती थी। तो गांव की गरीब औरतों का काम हो जाता था, तो इसके पीछे मकसद होता था। तो बहरहाल ये जो है बनू साद से 10 औरतें, बनू साद कबीले से 10 औरतें मक्का की तरफ आने लगी बच्चे लेने के लिए। उसमें एक औरत थी जिसका नाम हलीमा था, और ये हलीमा जो है बनू साद कबीले से थी। हलीमा फरमाती है, खुद इस वाक़े को खुद बयान करते है, रिवायतों में ये वाक़या मौजूद है कि मैं जब इन 9 औरतों के साथ जा रही थी तो मेरे घर की हालत बहुत खस्ता थी, यानी मैं गरीब घर से थी और मेरी जो सवारी थी वो भी दुबली पतली, और मेरे घर का जो जानवर था यानी जिससे हम दूध निकाल के पीते थे वो जानवर भी कमज़ोर, क्योंकि कहत साली का ज़माना था, खेत खुश्क हो चुके थे, खाने के लिए जानवरों को चरने के लिए घासें नहीं थी। अब जब जानवर दूध बराबर नहीं देंगे तो हमारी खुराक भी बराबर नहीं होगी, तो जब हमारी अपनी खुराक बराबर नहीं होती थी तो हमारे छातियों से भी दूध खुश्क हो चुके थे, और हमारे अपने बच्चों को भी दूध पिलाने के लिए बराबर हमारी छातियों में दूध नहीं होते थे। लेकिन फिर भी जो है हम मक्का की तरफ चले। अब जाने का सफर का हाल ये था कि ये 9 औरतें जो है इनकी सवारी अच्छी थी, वो बाज मरतबा हलीमा से आगे चल पड़ती थी और काफ़ी दूर जाकर जो है वो रुक जाती थी, और वो इंतज़ार करती थी हजरत हलीमा का कि अभी आएगी, अभी आएगी। थोड़ी देर के बाद हजरत हलीमा अपनी सवारी के साथ वहाँ पहुँच, क्योंकि कमज़ोर सवारी थी और साथ में इनके शौहर भी थे। 2-3 मरतबा जब ये हाल हुआ तो इन 9 औरतों ने कहा कि हलीमा तुम्हारी वजह से तो हमारा सफ़र बड़ा लंबा हो जाएगा,
इसलिए हम जल्दी से पहुंच जाते हैं, तुम आराम से आओ। तो ये 9 औरतें जो है मक्का में जल्दी से पहुंच गई। अब मक्का में जाने के बाद औरत और हर औरत ये चाहती थी कि मेरे पास किसी मालदार का बच्चा आए ताकि उसके अब्बा मुझे अच्छी खासी उजरत दे। तो ये 9 औरतों ने हर घर में जाकर तलाश किया कि, और ये किताबों में ये बात भी लिखी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी ये औरतें गई थी, लेकिन जब पता चला कि इस बच्चे का तो बाप इंतकाल कर चुका है तो ये औरतें जो है घर में से वापस चली गई। किताबों में लिखा है कि बीबी आमिना को बड़ा दुख हुआ कि मेरे बच्चे को कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। किताब में उलमा फरमाते हैं कि बीबी आमिना दिल दिल में सोच रही होगी कि हाय काश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मेरे बच्चे के अब्बा होते, अब्दुल्ला होते, तो आज ये औरतें खुशी खुशी इस बच्चे को ले जाती, अब्दुल्ला होते तो इसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते, अब्दुल्ला होते तो इसको बाजारों में ले जाकर फिरते और सैर करवाते बाजारों की, अब्दुल्ला होते तो इसको अच्छे अच्छे खिलौने ला कर देते ताकि ये मेरा बच्चा अच्छे से खिलौने में खेल सकता। उलमा फरमाते हैं लेकिन बीबी आमिना को क्या पता था कि ये बच्चा तो वो बच्चा है जिसके लिए अल्लाह ने आसमानों में चांद और सितारों को खिलौने बना दिया कि वो और खेलते खेलते खाली यूं इशारा करता है तो इसके इशारों पर जो है सितारे और चांद नाचते हैं कि ये वो बच्चा है। और ये वो बच्चा है कि इसे मक्का और मदीना के बाजारों की सैर की जरूरत नहीं है, उसे तो अल्लाह वो सैर कराने वाला है जिसके जो सैर दुनिया में किसी इंसान ने नहीं की है। और वो सैर मेराज की सैर थी कि अल्लाह ने अपने अर्श पर इस बच्चे को बुलाया है, ये तो वो बच्चा है। आमिना को पता नहीं था। बहरहाल जो है हजरत हलीमा वापस मक्का में, हलीमा मक्का में पहुंची। आगे वाकयात बहुत सारे, सीरत लंबी है, इंशाल्लाह आइंदा जुमा जो है इसके बारे में आगे बात होगी। अल्लाह तबारक व ताला हमारे दिलों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा फरमा दे और इस मोहब्बत के नतीजे में हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत